कई सालों से पार्टी के कार्यक्रमों में निष्क्रिय व कुंभकर्ण की भूमिका में रहने वाले किशोर शर्मा बीजेपी जिलाध्यक्ष कैसे बने और क्यों बने, यह बात बीजेपी के किसी भी वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता के गले नहीं उतर रही, जबकि पार्टी के पास और भी कई बढ़िया विकल्प मौजूद थे। कोई कह रहा है कि यह पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का मास्टर स्ट्रोक है, वहीं पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, जब आम नहीं मिले तो गुटली से काम चलाना पड़े, यही हालात हैं। पार्टी के वरिष्ठों द्वारा लिए गए निर्णय को अपनी जीत बताकर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की होड़ लगी है। लेकिन साथ में ये क्या खबर छपी है, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। बीते दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति विधानसभा प्रमुख बनाए गए हैं वो विधायक चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुट जाएं। उनके इस बयान ने मीरा भाईंदर की राजनीति को एक बार फिर हवा दे दी है। हमने नवनिर्वाचित 145 विधानसभा प्रमुख रवि व्यास से कई विषयों पर बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ में हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले साहब को, हमारे यहाँ के स्थानिक नेता और मंत्री माननीय श्री रविंद्र जी चौहान साहब, हमारे श्रीकांत जी भारती महाविजय अभियान के महाराष्ट्र के संयोजक और हमारे स्थानिक प्रभारी माननीय श्री जयप्रकाश जी ठाकुर, इन सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझ जैसे कार्यकर्ता को इस मीरा भाईंदर शहर के अंदर 145 विधानसभा का निवडणूक प्रमुख का दायित्व दिया। अपने आप के अंदर मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि पार्टी के नेताओं ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। महाराष्ट्र के अंदर जितनी विधानसभाएं हैं 288 विधानसभाएं, उन सभी के अंदर एक प्रत्येक विधानसभा के ऊपर एक इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा और हमारे महाराष्ट्र के जो 48 लोकसभा है उन सभी लोकसभाओं के लिए भी एक इंचार्ज की नियुक्ति की गई है। तो उसी और निवडणूक प्रमुख का मुख्य रूप से कार्य ये होगा कि जितने भी चाहे वो संगठन के अंदर बूथ कमेटी निर्माण करने का कार्य हो, जनता से संपर्क करने का कार्य हो, महानगर पालिका के विकास कार्य हो, सभी A to Z जो भी विधानसभा के अंदर संगठन से लेकर विकास कार्य की बात हो या लोगों से संपर्क करने की बात हो, चुनाव का पूरा नियंत्रण ये निवडणूक प्रमुख की देखरेख के अंदर ही होगा। और इस तरीके से हम लोग माननीय मोदी जी की योजनाओं का और राज्य सरकार की देवेंद्र जी की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारी जनता को दे सके, किस तरीके से हमारे स्थानिक जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, चाहे वो अस्पताल के हो, आरोग्य के हो, शिक्षा के हो या अन्य हमारे रीडेवलपमेंट के विषय, उन सभी के ऊपर अब मैं ज़्यादा समय देकर लोगों को न्याय देने का कार्य कर पाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी को मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले समय के अंदर मैं ये आशा रखता हूं और पूरा विश्वास भी दिलाता हूं कि उनके नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से संगठन ने गति पकड़ी है, आने वाले समय के अंदर संगठन और मजबूत होगा और हम सभी लोग तन मन धन से किशोर शर्मा जी का साथ देंगे। महाराष्ट्र के अंदर ये डिसीजन लिया गया था कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उन सभी जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा और सभी जिला अध्यक्षों को बदला गया, और क्योंकि मुझे निवडणूक प्रमुख की जिम्मेदारी मिल गई थी, स्वाभाविक है कि मेरा कार्यकाल भी करीबन 2 साल के लगभग पूरा होने आ गया था और एक व्यक्ति 2 पद नहीं ले सकता है। और किशोर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के करीबन 25-30 साल पुराने कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं और एक पार्टी की विचारधारा है जो कि सभी को साथ में लेकर चलने का कार्य करेंगे और पार्टी ने एक सही मायने में एक सच्चे कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष का पद देकर वाकई के अंदर एक कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह बढ़ने का कार्य किया है। आप स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं के अंदर अगर कोई उत्साह होता है किसी बात को लेकर, नए जिला अध्यक्ष को लेकर, तो वो उत्साह होना चाहिए और बिल्कुल खुशी की बात होती है कि जब कोई एक सामान्य कार्यकर्ता को अगर कोई अच्छा पद मिलता है, बड़ा पद मिलता है, तो बाकी के जो कार्यकर्ता होते हैं तो वो जल्लोश भी करते हैं, जोश में उत्सव भी बनाते हैं। और किशोर जी ने देखा कि वो उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाते हुए उन्होंने मेहता जी के कार्यालय पर भी जाकर
उन्होंने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद लिया, उनकी शुभकामनाएं ली और उन्होंने जो हमारा जिला का अधिकृत कार्यालय है यहाँ पे भी आकर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की शुभकामनाएं ली। और आने वाले समय के अंदर किशोर जी जो संगठन सर्वोपरि की भावना है, जो विचारधारा है संगठन सर्वोपरि की, उसी की राह पे सभी को एक साथ में लेकर कार्य करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। निश्चित ही मीरा भाईंदर शहर की गुटबाजी को पूर्ण विराम अब लग गया है। और वैसे भी मैं हमेशा से कहता था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि भाजपा एक परिवार है, लेकिन फिर भी किशोर जी की नियुक्ति के बाद में मैं ये शत प्रतिशत कह सकता हूँ कि अब भाजपा के सभी कार्यकर्ता एक छतरी के नीचे साथ में प्रदेश के आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। देखिए, जितने भी पुराने पदाधिकारी हैं उन सभी अपने अपने पदों पे कायम रहेंगे, लेकिन साथ में जो अन्य पदाधिकारी है, जो अन्य कई सारे हमारे पार्टी में ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिन्हें पद नहीं मिल पाया था, उन सभी हमारे सहयोगी साथी पदाधिकारी या स्थानिक नेताओं को भी संगठन के अंदर उचित स्थान की जवाबदारी दी जाएगी। ये भाजपा के अंदर कभी किसी को हटाया नहीं जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी एक पदाधिकारी को कोई दूसरी जवाबदारी दी जाए या किसी दूसरे पदाधिकारी को तीसरी जवाबदारी दी जाए, तो इस तरीके के संगठन के अंदर फेरबदलाव ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी पद से हटाने का कार्य भाजपा में नहीं होता है और ना ही मीरा भाईंदर में होगा। कि जिस तरीके से जिला अध्यक्ष के रूप के अंदर मेरे सभी समस्त साथी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मुझे साथ दिया, उसी तरीके से इस निवडणूक प्रमुख की नई जिम्मेदारी के अंदर भी सभी लोग साथ मिलकर इस विधानसभा को भी हम लोग, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या उसके बाद में विधानसभा का चुनाव हो, महानगर पालिका का चुनाव हो, सभी के अंदर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे, ऐसे ही मैं कामना करता हूँ और विश्वास भी दिलाता हूँ। सबसे पहले तो मैं किशोर शर्मा जी को नए जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाइयाँ देना चाहता हूँ। बधाई देने के बाद किशोर शर्मा जी को पार्टी ने इतना जो महत्वपूर्ण पद दिया है, उस पद के किशोर शर्मा जी को कार्य करते हुए पहले अपने शहर में दो गुट की आज तक चर्चा होती रही है, तो मेरा एक ही मानना है कि पार्टी ने इतना जो महत्वपूर्ण पद दिया उसके ऊपर उन्होंने एक जिलाध्यक्ष का जिस पद की जो गरिमा है उसको कायम रखना चाहिए और एक प्रॉपर जिलाध्यक्ष की तरह ही काम करना चाहिए, ना कि एक कठपुतली बनकर काम करना चाहिए, क्योंकि काम करने के लिए जिलाध्यक्ष की जो गरिमा है उसको कायम रखना चाहिए।